भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर जनार्दन कुशवाहा का चुनाव चिन्ह इमली पर अपना कीमती मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य सरकारें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग केंद्र से कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के कई इलाकों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का ताजा मामला दिल्ली के सागरपुर थाने इलाके में दशरथपुरी बी ब्लॉक से है। यहाँ ACP दिलीप सिंह, ACP ट्रेनी रोहित गुप्ता और ADL SHO विनय कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर एक घर पर छापा मारा, जहाँ मौके से पुलिस 32 बड़े और 16 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। साथ ही मकान मालिक अनिल कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इलाके में काफी दिनों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी चर्चा में थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए शख्स से पूछताछ कर रही है। जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ और बेड से लेकर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी में मिली अपना लाभ देख रहे हैं। जरूरत है सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि कोई दूसरा ऐसी हरकत ना कर सके और जिन जरूरतमंदों को समझ जरूरत है उनको समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चीजें मिल सकें।